हेलो नमस्कार, मेरा नाम आचार्य, मैं आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों कल स्कूल अलॉट हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है। जिन जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलनी थी उनको नियुक्ति मिल चुकी है। और 30% वालों को, जो 30% कम रिजल्ट लाए थे उनको कम नियुक्ति मिली है। जिनका 230 प्लस स्कोर उनको नियुक्ति मिली है, ठीक है। जिनका कम है उनको नहीं मिली है नियुक्ति। और अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसको लेकर DPI ने दोबारा बोला है कि आगे और विचार चल रहा है और समस्या सॉल्व की जाएंगी। DPI आयुक्त का स्पष्ट कहना है। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है, जब DPI में ने बात की है आयुक्त मैडम से, तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और समस्याओं को लेकर कब तक समाधान किया जाएगा, और जो बाकी अतिथि शिक्षक उनकी कब तक नियुक्ति की जाएगी, जो बाहर हो गए हो उनकी नियुक्तियों का क्या होगा, तो पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर? कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो स्कूल अलॉटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। स्कूल किसे मिला है? स्कूल 30% से कम रिजल्ट वालों को बहुत कम दिए गए हैं। कुछ लोगों को बाय मिस्टेक मिल गए हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। दूसरा, जिनके स्कोर 210 के प्लस रहे हैं, 200 से कुछ विषयों को छोड़ दे, जैसे इंग्लिश में 180 के प्लस में मिल गया, कुछ जिलों में नहीं मिला है। गणित में तो सबको, जिनका स्कोर 210 के प्लस था उसी को गणित में स्कूल अलॉटमेंट हुई है। लगभग सभी विषयों में, चाहे वर्ग 3 का हो चाहे वर्ग 2 का हो, सब में 210 स्कोर इसका प्लस था, उसी को स्कोर मिली है। तो बाकी लोगों को तो स्कूल मिला नहीं है। अभी भी मेरा प्रयास यही है कि इसमें रोक लगाई जाए, क्योंकि जो मिला है वो पूरी तरह गलत है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पुराने साथी हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। आज वल्लभ भवन में जो मैंने बिंदु आपको दिखाए थे, उन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई थी मेरी परसों, कल, जिसको लेकर आज दोबारा मैं गया। लेकिन आयुक्त मैडम का सीधा कहना है कि मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूँ। साफ साफ उनने साफ शब्दों में मना कर दिया। कुछ लोग लिख रहे थे कि रोज सहमति बनती है, रोज ऐसा होता है, आदेश जारी क्यों नहीं होते। भाई 16 वर्ष में आपने क्या कर लिया? मैंने अभी 2 महीने से तुम्हें लगा के काम करना शुरू किया था। कम से कम इतना देख लो कि 2 महीने में भले 20 अंक मिले, मैं मानता हूं कि वो गलत हुआ, हमने 10 अंक मांगे थे, उन्हें 4 अंक दिए, लेकिन शुरुआत तो हुई। बस इसी प्रकार आज 30% वालों के लिए साफ मना कर दिया। DPI की मैडम का कहना, साफ कहना है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, उस आदेश में मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी। मैं 30% वालों को इस सत्र में नियुक्ति नहीं दूंगी, अगले वर्ष जरूर कुछ ना कुछ उसमें हम निर्णय ले लेंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 30% वालों को किसी भी हालत में DPI एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। साथ में 10% अंक थे, मेरे एक बात समझ में ये नहीं आती कि साला आयुक्त बड़ी होती है कि प्रमुख सचिव बड़ा होता है। आयुक्त जो है प्रमुख सचिव की बात नहीं सुन रही है, कितनी बड़ी बात है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट पर आ जाए। मैं कह कह के थक गया, आयुक्त सर भी बोल दिए कर लो कंसीडर, कोई दिक्कत नहीं है, एक विषय वालों को कर लो, कम से कम उनका प्रोफाइल देख लो, अपने स्कूल की प्रोफाइल चेक कर लो। लेकिन नहीं, उनका सीधा कहना, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगी, जो चल रहा चलने दीजिए। यहां तक कि उन्होंने ये तक मना कर दिया कि जो पूर्व से कार्यरत थे 5700 लोगों की लिस्ट रखी हुई है दीपिका सिंह सर के पास, आज भी करीब 1.5 घंटे में चर्चा उस विषय पर हुई थी कि जिन लोगों के नाम में मेरिट के नाम पे बाहर कर दिया गया, जिनका पैनल ऐड नहीं हुआ, किसी में अप्रैल माह में कार्य नहीं हुआ, 5700 लोगों की लिस्ट है, शॉर्ट टर्म वालों को लॉन्ग टर्म पर पद कर दिए गए, या बहुत सारी समस्याएं थी। 5700 की लिस्ट तो मेरे पास रखी हुई है, उनका क्या होगा? उस पर भी आयुक्त लोक शिक्षा संचालय कोई भी, ऐसी घटिया और कचरा आयुक्त मैंने पहली बार देखा कि एक भी किसी मुद्दे पर वो निर्णय नहीं ले पा रही है। मैं खुद परेशान हूं, आखिर ऐसे आयुक्त को बिठाकर शासन करना क्या चाहती है। फिर इसके बाद मैं DPI चला गया। DPI में वही चर्चा हुई, अपने कई लोग आए थे, आज कई साथी फोन लगा रहे थे बार बार मुझे, सर आप आ जाओ। तो लंच में मैं DPI पहुंचा, DPI में भी बात किया अपन ने, खासतौर पर जो लोग अधिशेष में बाहर हो गए हैं उनका क्या होगा। मतलब DPI वालों को आज होश में है, मैं 10 दिन से पत्र लगा रहा हूँ कि भाई जो अधिशेष से बाहर हो रहा है उसका ऑटो रिलीव नहीं हो रहा है, वो ऑटो रिलीव नहीं हो पा रहा है। आज उनके दिमाग में, अरे हाँ यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, उनको आज दिमाग में आ रहा है, मतलब तुम स्कूल अलॉट कर दोगे, जो 7000 लोग बाहर हो गए वो कहाँ जाएंगे। मतलब दिमाग खराब ही साला है कि ये अधिकारी हैं, ये तो हमसे भी कहीं गुजरे हैं, ये अपने आप को योग्य और हमको बोलते हैं हम अयोग्य हैं। उनको उनको हम समझाते हैं सर ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसे रूल्स थे।
उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पता नहीं रहता, कैसे अधिकारी बैठा दिया है, मैं तो पागल हो चुका हूं इनको समझा समझा। एक महारानी है कामाचार मैडम, वो तो सीधे कहती है कि मैंने कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, मैं कुछ भी उसमें चेंज नहीं करूंगी, जो तुमको करना है वो कर लो, सीधा जवाब उसका रहता है। चौरसिया जी, खुर्शीदा खान, पी के सिंह सर सीधे कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो है किसके हाथ में? आयुक्त कहती है पी के सिंह से मिलो, पी के सिंह कहते हैं हमारा हाथ बंधा है, कामाचार मैडम कहती है मैं कमिटमेंट कर दिया मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी, लोग जो गोयल सर कहते हैं, जो बल्ला बंद करके कहते हैं डीपीआई करेगा, हम क्या कर सकते हैं, जो करना है उनको करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर करेगा कौन, आखिर है कौन इसका जिम्मेदार? कुछ जिलों के स्कूल अलॉटमेंट रोके गए हैं, भोपाल में जहां पे अतिशेष शिक्षक बहुत ज्यादा हैं और पद कम थे, उन जगहों पे स्कूल अलॉटमेंट रोके गए हैं, भोपाल के पद रोके। अभी कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ है चल रहा है, अभी मैं मेरा दिमाग खुद शांत नहीं हो पा रहा है, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि साला मेरा स्कोर 210 है और मुझे सीधी स्कूल मिली है, मेरे को मैंने 70 स्कूल चूज की थी और 17वें नंबर की स्कूल मिली है, सबसे लास्ट की स्कूल, एक स्कूल उठाकर पढ़ दिया सीधी जिले की, मैंने केवल एक स्कूल चॉइस, मैंने मजाक में डाल दिया चलो यार साथ मिल जाए, और वही स्कूल मुझे मिल गई। मतलब भोपाल में लैब में था, वर्ग 2 मैथ का था, सीओर मैंने चूज किया जो आसपास के थे कि चलो मिल जाएगा, वो स्कूल मुझे नहीं मिली। पर उन लोगों के लिए खुशखबरी है भाई जो बहुत परेशान थे मुझसे, अरे आप तो ऐसा करते हो लूट रहे हो, चलो भाई अब कम से कम जो आपको रोज ये न्यूज मिल रही थी वो मिलनी बंद, बढ़िया है अब आराम से आप लोग घर बैठो नौकरी करो। मैं तो मुझे इतनी टेंशन है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आज जो हरकतें अधिकारी कर रहे हैं, समझ में ये अधिकारी ही है या गरोड में बैठे हुए जो कंडक्टर नहीं होते, ये सीट ले लो, अच्छा उसे मैं मैनेज कर दूंगा यहां बैठा दूंगा, ये वाली तो हालत हो चुकी है। आज मेरा मेन मोटिव था कि बेचारे कम से कम जो 30% वाले हैं कम से कम कुछ तो कंसीडर कर लो भाई, इतना रिक्वेस्ट मैंने कर ली, हाथ पांव जो भी जोड़ना है मैंने सब जोड़ दिया, सर आप शपथ पत्र ले लो, आप सर जैसे चाहो वैसे कर लो, आप पेपर ले लो उनका, जो भी आप कर सकते हो कर लो, 30% वालों को एक बार कंसीडर कर दो उनको। नहीं साफ कर दिए, मैं तो नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, पुराना नियम है मैं उस पर छेड़छाड़ नहीं करूंगी, तो डीपीआई का ही नियम था, देखिए इसका अनुभव के अंक को लेकर यह प्रस्ताव तुमने मूर्ख बना दिया, डीपीआई से बल्लभ भवन ने 10 अंक का प्रस्ताव भेजा, तुमने वहां से 4 अंक करके भेज दिए, मतलब खुद का खुद दिमाग चला रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों स्कूल सीधी थी, इन लोगों ने जानबूझ के सीधी पटकवाया कि साला तू जा सीधी बैठ, रोज आके परेशान कर रहा है बल्लभ भवन डीपीआई ने। कल मैं अब मुझे किसी ने कहा कि अनुराग जैन सर जो अपने मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश आए हैं उनसे मुलाकात करो, आज मैंने उनसे समय लिया है और आज मैंने पत्र भी दिया था उनको कि आयुक्त के ऊपर कार्रवाई करो, या आप आयुक्त के ऊपर कार्रवाई करो, पर उन्होंने कहा कि आप पहले पूरा लेके आओ, पूरा कंप्लीट चर्चा बना के लाओ, हम देखेंगे उसे, और आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, जो समस्याएं हैं पूरा लेके आओ, मैं लेके भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि समस्या वर्तमान में कौन सी चीज है जो आयुक्त नहीं सुन रही है। तो कल मैं जरूर जाऊंगा और जो साथी आसपास के समझदार लोग हैं जो बात कर सकते हैं, जो डिसेंट होकर बन गया टीचर बन के आ सकते हैं, तो कल मुझे ज्वाइन कर सकते हो, अधिकतम 2 से 3 लोग, 4 लोग या 5 लोगों की टीम जाएगी कल मिलने के लिए मुख्य से, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश जो अभी अनुराग जैन आए हैं सर, वो पीएमओ से हैं, क्योंकि जो अनुराग जैन सर है वो डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्टेड है, उनका मध्य प्रदेश से कोई लेना नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में कि मोहन यादव जो अपने जो सीएम साहब हैं उन्होंने दूसरे का नाम रिकमेंड किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें हटा करके इनको नियुक्त किया है, उन्होंने मतलब ये कुल मिलाकर के जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति दिल्ली से चलती रही। उम्मीद है कि कल जो अपन छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करवा दो साहब, अपन तो यही बोले कि आप स्कूल अलॉटमेंट कुछ दिन के लिए रोक के जो समस्याएं हमारे साथियों की है उनको सॉल्व करवा दो और ये सब चीजें खत्म करवा दो। और खासतौर पर MPDSC तो इतनी घटिया कंपनी है कसम से, इससे जैसी आयुक्त मिली थी वैसी इसको कंपनी मिल गई है। बड़ी समस्या है भाई, मैं समझ सकता हूँ सबकी, ये लाइव आना नहीं था पर मैं आ गया, 30% वाले हमारे कितने लोग परेशान है, दिन भर में मैं सब फोन रिसीव कर रहा हूँ, उतने ग्रुप में देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। और इतने पूरे प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेता अपने आप को सबको अतिथि के मसीहा बोलने वाले, रोज आंदोलन करने वाले, एक घर से निकलते भाई जाके अधिकारियों से मुलाकात, ठीक है आपने आंदोलन कर लिया पर बात भी करना होता है, मुलाकात भी करनी होती है,
कि आखिर किन समस्याओं को लेकर के भाई हमारी ये समस्याएं इसे सॉल्व करो, ठीक है कि आप मैं मान सकता हूं कि आप सीधे नियमितीकरण चाहते हैं, लेकिन आप एक बात जान लो कि डायरेक्टली आपको नियमितीकरण मिलना मुश्किल है, आपको पहले अतिथि बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए बात करना पड़ेगा, आप जो समस्याएं हैं उसे सॉल्व करवाओगे, आप स्टेप यही स्टेप ही आगे बढ़ सकते हो। सोचो डायरेक्टली सब कुछ हो जाए तो संभव नहीं है, अगर आप सोचो कि अभी के अभी आपका विभागीय परीक्षा ले ले तो ये संभव नहीं है, जो लोग लिखते रहते हो ना कि ये क्या मांग कर रहे हो, वो मांग क्यों कर रहे हो, अबे तुम एक दिन आओ साथ में घूम लो, समझ में आ जाओ मैं बोल रहा हूँ ना, जिनको ये लगता है ना कि हम करवा सकते हैं, इनको लगता है कि मैं बात रखूंगा सर बात बन जाएगी, तो आ जाओ कल मैं आपको लेके चलूंगा। अरे मिश्रा जी मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ तुम टेंशन मत लो, जो नहीं सुनना आप जा सकते हो। तो कल जिसको मिलना है कल दोपहर 12 बजे बल्लभ भवन के सामने, कुल चार एक में हूँ, चार लोग और आ सकते हैं, पांच लोगों की टीम कल मिलेगी, तो मैं बात करूंगा बीएम भाई से बात करूंगा अगर आ सकते हैं कल तो, और उम्मीद है कि जो पर्सनल समस्याएं आपकी हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगी। आखिर जो समझौता परसों हुआ था, जो प्रमुख सचिव सर ने कुछ बातें मानी थी, आखिर डीपीआई को वो मानने में क्या दिक्कत जा रही है, अपने पत्र को डीपीआई नहीं मान रहा है, 30% आरक्षण छुट्टियों के बारे में उन्होंने कहा था लेकिन डीपीआई के अधिकारी वो मानने को तैयार नहीं है, जो बैठक होती है उसमें बिल्कुल हाँ सर देखते हैं बात करते हैं, जब प्रस्ताव की बारी आती है वो कर जाते हैं। आखिर कब हमें कोई लाभ मिलेगा, कब हमारी किसी मुद्दे को सरकार मानेगी, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी स्कूल अलॉट होने शुरू हुए हैं एक साइड से, उम्मीद है कि अभी और स्कूल अलॉट होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सब लोगों जुड़ने के लिए, आप लोग इंतजार करते रहते हो, मैं बहुत थक चुका हूँ आज और मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ, आप लोगों को सुझाव चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सीधी वापस जाना चाहिए या भोपाल में ही करना चाहिए प्रयास करना चाहिए दूसरी स्कूल का।